मेटाबॉलिज्म नॉर्मल एंड एबनॉर्मल प्रेजेंटेड बाय करण बापते एम फार्म इन क्वालिटी एश्योरेंस केकेवाग इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी चांदोरी नाशिक। इंट्रोडक्शन। मेटाबॉलिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट्स, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म इज द डिग्रेडेटिव फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म विच प्रोवाइड्स मेटाबॉलिक फ्यूल एंड बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द सेल्स। एनाबॉलिज्म इज अ बायोसिंथेटिक फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म। इन दिस बायोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स, फॉस्फोलिपिड्स आर सिंथेसाइज। डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम लीड्स टू मेटाबॉलिक एरर, मोस्टली इट इज अ ड्यू टू जेनेटिक डिफेक्ट। दिस डिफिशियंसी आर कॉल्ड इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड लीड्स टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म। रीजन ऑफ एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म आर, फर्स्ट जेनेटिक डिफेक्ट, सेकेंड डायट्री डिफिशियंसीज, थर्ड डिसीज कंडीशन। नाउ वी सी द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट्स आर मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन ऑल बायोलॉजिकल सिस्टम। इन हायर एनिमल्स कार्बोहाइड्रेट्स आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू गेट मैक्सिमम एनर्जी। दिस प्रोसेस रिक्वायर ऑक्सीजन, हेंस इट इज नोन एज एरोबिक ब्रेकडाउन। टू परफॉर्म वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज सच एज मैकेनिकल वर्क, मसल कॉन्ट्रैक्शन, प्रोपगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। द मेटाबोलिक एनर्जी एक्सचेंज इज ऑलवेज कैरिड आउट थ्रू अ कॉमन इंटरमीडिएट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज एटीपी। एटीपी इज अ प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स। एटीपी हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेट हाइड्रोलाइज टू एडीपी एंड फॉस्फेट। ड्यूरिंग दिस एनर्जी इज लिबरेटेड एंड मेड अवेलेबल फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। मेजर पाथवेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर, फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस। इट इन्वॉल्व्स सिक्वेंशियल रिएक्शन विच कन्वर्ट ग्लूकोज इंटू पायरुवेट और लैक्टेट। सेकेंड क्रेब्स साइकिल और टीसीए साइकिल। इट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल कोए टू कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज द लास्ट कॉमन पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और अमाइनो एसिड्स थ्रू एसिटिल कोए। ग्लाइकोजेनेसिस, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज इज टर्म्ड एज ग्लाइकोजेनेसिस। देन ग्लाइकोजेनोलाइसिस, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इंटू ग्लूकोज इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनोलाइसिस। देन ग्लूकोनियोजेनेसिस, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर लाइक अमाइनो एसिड्स इज टर्म्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। देन पेंटोज फॉस्फेट पाथवे एचएमपी शंट। इट इज द अल्टरनेटिव पाथवे फॉर ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। देन यूरोनिक एसिड पाथवे। इट इज ऑल्सो एन अल्टरनेटिव ऑक्सीडेटिव पाथवे फॉर ग्लूकोज इन विच ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इंटू ग्लूकोरोनिक एसिड एंड पेंटोजेस। ग्लाइकोलाइसिस। नाउ वी सी द डिटेल अबाउट ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस इज वन ऑफ द कॉमन मेटाबॉलिक पाथवे सीन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज एरोबिक कंडीशन, और इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज अनएरोबिक कंडीशन। नाउ वी सी द रिएक्शन इन्वॉल्विंग ग्लाइकोलाइसिस। इन दिस ग्लूकोज एंटर्स ग्लाइकोलाइसिस बाय फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट विच इज अ कैटलाइज बाय द एंजाइम हेक्सोकाइनेज। इन दिस रिएक्शन एटीपी एक्ट एज अ फॉस्फेट डोनर। देन आफ्टरवर्ड ग्लूकोज 6-फॉस्फेट अंडरगोज आइसोमराइजेशन टू फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट बाय द एक्शन ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड फॉस्फोएक्सोज आइसोमरेज। देन फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट इज अ फॉस्फोरिलेटेड टू फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट बाय द एक्शन ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। इन दिस रिएक्शन एटीपी एक्ट एज अ फॉस्फेट डोनर। देन फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट इज क्लीव इन टू 3 कार्बन कंपाउंड, नेमली ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट एंड डायहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट। This reaction is catalyzed by an enzyme called aldolase. Then, the reversible interconversion of
ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट 2-डायहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट इज कैटलाइज बाय फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज. ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट इज ऑक्सीडाइज टू 1,3-बिसफॉस्फेट ग्लिसरेट बाय द एंजाइम ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज. दिस रिएक्शन इज एनएडी डिपेंडेंट. इन द नेक्स्ट रिएक्शन 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इंटू 3-फॉस्फोग्लिसरेट. This reaction is catalyzed by the enzyme phosphoglycerate kinase. Phosphate from 1,3-bisphosphoglycerate is transferred to ADP, forming ATP. Then 3-phosphoglycerate is isomerized to 2-phosphoglycerate with the help of enzyme phosphoglycerate mutase. 2-phosphoglycerate is converted into phosphophenol pyruvate by the action of enzyme enolase. Phosphoenol pyruvated is converted into pyruvate. The reaction is catalyzed by the enzyme pyruvate kinase. Then the phosphate from phosphoenol pyruvate is transferred to ADP forming ATP. This is the reaction involved in glycolysis cycle. The pyruvic acid is the end product under aerobic condition, which is oxidized to carbon dioxide and water. Lactic acid is the end product in anaerobic condition. During this, the energy is obtained in absence of oxygen, that is anaerobically. This is also called as anaerobic fermentation. Most higher organisms have retained the capacity for anaerobic degradation of glucose to lactate, which is a requirement for complete oxidation of glucose to carbon dioxide and water. So the reaction glucose plus 2 molecules of ADP, then phosphate group converted into lactic acid and 2 molecules of ATP and water. Then we see the citric acid cycle. It is a central pathway for the release of energy from acetyl-CoA, which is produced from catabolism of carbohydrates, fatty acid and some amino acid. It is a sequence of reaction in which acetyl-CoA is completely oxidized to carbon dioxide. This is called respiration. The enzyme required for citric acid is presented in mitochondrial matrix. Now we see the detail, the reaction involved in citric acid cycle or Krebs cycle, or also known as PCA cycle. The first reaction of citric acid cycle is synthesis of citrate by condensation of acetyl-CoA with oxaloacetate catalyzed by citrate synthetase. Second reaction, citrate is isomerized to isocitrate by the action of enzyme aconitase. This is a two-step reaction which involves degradation of citrate to cis aconitate followed by hydration of cis aconitate to isocitrate. Isocitrate undergoes dehydrogenation to form oxalosuccinate. The reaction is catalyzed by isocitrate dehydrogenase. Oxalosuccinate undergoes decarboxylation to form alpha ketoglutarate with the liberation of carbon dioxide. Then fifth reaction, the alpha ketoglutarate undergoes oxidative decarboxylation to form succinyl-CoA. Succinyl-CoA is converted to succinate by the action of enzyme succinate thiokinase. Succinate is oxidized to fumarate by the action of enzyme succinate dehydrogenase. Fumarate is converted into malate by the action of enzyme fumarase. Malate is converted into oxalosuccinate by malate dehydrogenase. Now we study the protein metabolism. Basically, requirement of protein is the requirement of amino acid. It should be possible to express the protein requirement of an animal in terms of the amount and kind of amino acid rather than of protein itself. In this view, dietary protein are classified as good quality protein and low quality protein according to essential amino acid content of protein. See the protein digestion. The protein is
hydrolyzed by proteolytic enzyme and converted into amino acid, and if excess amino acid get liver for catabolism, and remaining amino acid get tissue or cells and through blood required for protein synthesis as per cell requirement. Deamination. Amino group of amino acid is eliminated as ammonia at physiological pH. The 99% ammonia is in the ionic form. Ammonia is a toxic and it is used for the synthesis of urea to reduce toxicity. See the reaction. Ammonia, amino acid get converted into alpha keto acid and ammonia in presence of amino acid oxidase. Then transamination. In this reaction, amino group of amino acid is transferred to alpha ketoglutarate. See the reaction. Amino acid and alpha ketoglutaric acid get converted into alpha keto acid and glutaric acid by in presence of transaminase, that is vitamin B6. Now we study the urea cycle. The excess of nitrogen resulting from amino acid catabolism is excreted in the form of urea. Urea penetrates the renal glomeruli and thrown out the body through urine. The Lier cycle occurs mainly in liver, but it is also occur in brain and kidney. The net reaction of urea cycle may be written as carbon dioxide and ammonia plus aspartate and 3 molecules of ATP and 2 molecules of water get converted into urea. Then 2 molecules of ADP and AMP plus phosphate group and fumarate.